कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आरती सहगल और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हफ्ते का सबसे स्पेशल दिन कौन सा होता है? ऑब्वियसली संडे। तो इस संडे को और स्पेशल बनाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर वेस्टर्न गुड़गांव में संडे ब्रंच के लिए, क्योंकि यहाँ का संडे ब्रंच बहुत ही फैंटास्टिक होता है, एकदम लैविश। और इतना वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आपको चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या छोड़ें और क्या खाएं। तो इस बहुत ही डिलीशियस से और बहुत ही टेस्टी ब्रंच को एंजॉय करती हूँ मैं। आप मेरे को ज्वाइन करिए और अभी यूट्यूब पे उसका मज़ा लीजिए और उसके बाद खुद आइए और एक्सपीरियंस कीजिए कि यहाँ का ब्रंच आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये यहाँ पर जहाँ पर बुफे लगता है रेस्टोरेंट के बाहर, ये बच्चों के लिए हर संडे क्लासेस लगती हैं। ये जैसे बैलून आर्ट है, कैरिकेचर है, कैरिकेचर मीन्स जो फनी कार्टून्स होते हैं वो, ये देखिए कैरिकेचर्स, एंड दिस इज मैजिक शो। दे कंडक्ट सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस फॉर किड्स ओनली, ये देखिए। और यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है ये बहुत अच्छा सा एक काउंटर जो है समर ड्रिंक्स का, जो बहुत ही अच्छी शिकंजी है, जल जीरा है, ठंडाई है, तो ये सब आप इन्जॉय कर सकते हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं। ये स्टार्ट होता है यहाँ से इनका ब्रंच। तो ये काउंटर है, दिस इज़ सुशी। सुशी जो जापानीज़ एक डिश होती है जो राइस से बनती है, इसमें वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। वेस्टर्न के खाने में यही एक ख़ास बात है कि यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये है सैलड काउंटर, ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैलड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चटनीज, दीज आर सूप्स, एंड नाउ स्टार्ट इंडियन फूड। Different kinds of vegetables. This is paneer. So many vegetables, and these are papad. Different kinds of papad, chutneys, and this is tawa vegetable. और अब शुरू होता है continental. इसमें भी बहुत variety है। इतना खाना है कि आप खा के थक जाएंगे। बहुत कुछ है यहाँ पर खाने के लिए। ये देखिए नॉन वेज में भी काफ़ी कुछ है। वी आर प्योर वेजिटेरियन बट नॉन वेज और वेज दोनों में ही बहुत कुछ है यहाँ पर खाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम्स हैं, बहुत ही बढ़िया आइटम्स हैं ये देखिए। एंड दीज आर एशियन फूड्स जिसमें मोमोज और नूडल्स ये सब आता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ वेस्टर्न गुड़गांव ब्रांचेस, देयर लाइव म्यूजिक एंड यू कैन एंजॉय देयर लाइव म्यूजिक। बहुत ही मज़ा आता है, आप ब्रंच करें साथ साथ म्यूजिक सुने तो क्या ही बात है। और दिस इज़ डेजर्ट काउंटर। तो डेजर्ट में भी इंडियन और वेस्टर्न बहुत तरह की मिठाइयाँ होती हैं, स्वीट्स होती हैं, बहुत सारे डेजर्ट हैं जिसमें इंडियन डेजर्ट भी आपको बहुत मिलेंगे और वेस्टर्न डेजर्ट भी बहुत मिलेंगे। ये देखिए केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, बहुत ही बढ़िया होता है, एगलेस हैं, विद एग भी हैं, मतलब इतना कुछ है खाने के लिए कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं तो कम है या नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है सभी के लिए खाने के लिए। ये देखिए कितना कुछ है। दीज आर ब्रेड्स एंड दिस इज़ खाओ सुये। ये एक तरह का जैपनीज एग नूडल्स होते हैं शायद, हाँ वही है, और बहुत ही डिफरेंट तरह के हैं। और ये है इनके पास्ताज, ये देखिए कलर्ड पास्ता भी है इसमें। और यहाँ आ गई है ये तवा वेजिटेबल, देखने में ही इतनी टैम्पटिंग लग रही है कि दिल कर रहा है बस फटाफट खा लें इसको।
ये आ गए हैं सैलड्स, पिकल्स, और दीज आर फॉर नूडल्स। इतना ह्यूज, इतना कुछ है यहाँ पर खाने के लिए। तो चलिए अब हम तवा सब्जी लेते हैं। तो ये मैंने शेफ से कहा है कि थोड़ी सी तवा सब्जी मुझे दें रोस्ट करके, तो ये उन्होंने मुझे दी है। ये देखिए बहुत ही टैम्पटिंग लग रही है और हम इसको खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये। और ये है लाइव पास्ता काउंटर जिससे मैंने ऑर्डर किया है अपना मिक्स सॉस वेज पास्ता। ये उन्होंने मेरे लिए बनाया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए अब हम इसको लेकर चलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। बढ़िया और बहुत ही लेविश ब्रंच है वेस्टर्न में। यहाँ बहुत ही वैरायटी होती है, कॉन्टिनेंटल ले लीजिए, एशियन ले लीजिए, इंडियन ले लीजिए, किसी भी तरह का चाइनीज़ हो जाए, तो यहाँ पर बहुत ही लेविश ब्रंच है ये। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब सारा शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहें जिससे मैं इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।